नमस्कार, आप देख इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो ये है एलन की। जी हाँ, एलन एक ऐसा नाम जो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ हमारे शहर सिलीगुड़ी में जुड़ा हुआ है और एलन कोचिंग सेंटर से, एजुकेशन सेंटर से कई सारे ऐसे बच्चे निकल कर बाहर आते हैं जो काफ़ी अच्छा JEE में स्कोर कर लेते हैं। इस बार की रिज़ल्ट की हम बात करें तो रिज़ल्ट 100% एलन करियर इंस्टीट्यूट का रहा है और आप सभी को बताते हुए हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इरादरी बासु, जी हाँ, वेस्ट बंगाल में JEE नंबर 1 टॉपर अगर हम कहें तो इरादरी बासु हमारे शहर सिलीगुड़ी का बेटा है और एक बार फिर से सिलीगुड़ी का सर गर्व से ऊंचा हो चुका है। अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो इरादरी बासु का परसेंटाइल है 99.993% और वेस्ट बंगाल टॉपर इरादरी बासु एलन करियर इंस्टीट्यूट से पढ़कर उभर कर निखर कर सामने आया है। केक कटिंग सेरेमनी अभी फ़िलहाल यहाँ पर किया जा रहा है और हो भी क्यों ना, बिकॉज़ जितने भी बच्चे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। कई सारे ऐसे सैक्रिफाइसेस है जो बच्चे भी करते हैं और साथ में उनके पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। प्रॉपर गाइडेंस की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें बच्चों की मेहनत की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। जब एक काफ़ी अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है जितने भी बच्चों ने 99% से अबव स्कोर किया है और साथ ही 98% के अबव स्कोर किया है। सारे बच्चे को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी खुशी जताई जा रही है। बच्चों के पेरेंट्स से भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बच्चों के हंसते हुए चेहरे की और साथ ही साथ में हम आप सभी को बता दें यहाँ पे एलन के सेंटर हेड, जी हाँ, कुलदीप जी इस वक्त बच्चों के साथ में मौजूद है और वह यहाँ पर बच्चों को अगर हम कहें कि काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। सारे ही बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल विराजमान हैं, बैठे हुए हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। बता दें कि जितनी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हो बच्चे तो खैर खुश है ही, लेकिन उनके पेरेंट्स के चेहरे पे भी एक अलग ही चमक नज़र आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश ज़रूर होते हैं। एक बार फिर से हम आप सभी को बता दें कि इस वक्त एलन करियर इंस्टीट्यूट में हम पहुंचे हुए हैं, सिलीगुड़ी ब्रांच में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और वेस्ट बंगाल से एक ऐसा बच्चा निखर कर सामने आया है जो वेस्ट बंगाल का टॉपर इन JEE बन गया है। उनका नाम है इरादरी बासु। इसके अलावा कार्तिक वर्मा ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आप सभी को बता दें इस वक्त इरादरी के पेरेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं और इरादरी की हम बात करें तो सिर्फ सिलीगुड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, बिकॉज JEE के टॉपर इरादरी बासु के फादर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बच्चे के नाम से आपको इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे मैंने अभी कहा इरादरी के पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, तो हाउ डज इट मेक यू फील? फील वंडरफुल, क्योंकि यही तो मतलब हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अपने परिचय से ज़्यादा अपने संतान जो होते हैं उनका परिचय से अपना परिचय हो, इससे बढ़िया प्राप्ति तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई एम फीलिंग इन क्लाउड 9। डेफिनेटली सर, वो तो आपके खैर चेहरे पे जो खुशी है उसी से पता चल रहा है। सर, अगर हम मेहनत की बात करें तो बिना मेहनत के इस मुकाम तक पहुंचना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स के सपोर्ट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो किस तरीके से आपने सपोर्ट किया इरादरी को, चाहे अब इमोशनल सपोर्ट की ही बात क्यों ना करें, बिकॉज़ बच्चा काफ़ी परेशान भी हो जाता है जब इतना एक्सट्रीम लोड स्टडीज़ का उन पर पड़ जाता है। तो एक्चुअली ये हमने जब बहुत छोटे थे, ये कहानी बहुत बहुत पहले की है, मतलब मैं मानता हूँ कि एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताया जा सकता है कि जब वो नर्सरी में भर्ती होने गए थे, उस टाइम में वो परीक्षा देने गए थे, तो नर्सरी का परीक्षा हो चुका था अपने स्कूल में, लेकिन वो निकलने के मतलब इच्छा में नहीं थे, तो उस टाइम में उनको मतलब वो KG का परीक्षा भी दे दिए थे एंड इट वॉज सरप्राइजिंग कि जब रिजल्ट निकले थे तो वो KG में भी वो उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसका एज नहीं था उस टाइम में। तो राइट फ्रॉम दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं, आई शुड एक्चुअली एनहांस दिस, इसको मतलब थोड़े थोड़े करके देखना चाहिए। तो उनको मैथ्स बहुत
पसंद है अभी भी है, मतलब वो मैथ्स के लिए दीवाने हैं वो। बच्चे अक्सर मैथ से डरते हैं और यहाँ पर उल्टी तरफ इरादे मैथ से खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं इनफैक्ट मैं उसको कभी नॉर्मल मैथ्स करता है, ज़्यादा टाइम मैथ से करता है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मतलब जैसे हम लोग हमारे पास टाइम्स होते हैं तो हम लोग कोई ये देखते हैं, मतलब मूवीज़ देख लेते हैं, सीरीज़ देख लेते हैं, तो उसको अगर हम कभी छोड़ देते हैं तो वो कोई एडवांस मैथ्स को लेके वो डील कर रहा है। तो ये उनका पास टाइम, मतलब अच्छा लगता है उसको करने के लिए। तो मुझे यही लगा कि वो करना चाहिए, तो मैं उसको बोला कि इफ़ यू वांट टू डू इट देन गो फॉर इट, इफ़ यू लव मैथ्स देन देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। तो हम चाहते हैं कि वो भी करे, तो सामने में ISI का एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए मैं कोशिश करने वाला। तो इरादरी की मम्मी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी है। अगेन बीइंग अ मॉम एंड बीइंग देयर अवेलेबल फॉर योर किड इज़ ऑलवेज नेसेसरी। तो आप किस तरीके से अवेलेबल थे इरादरी के लिए? अवेलेबल तो छिलामी এমনি ও এমনি শান্তশিষ্ট, কোনো অসুবিধা কিছুই করে না, কখনো কোনো জেদি না কিছু না, ওকে যা বলা হয় সেটা ও সবসময় শোনে, আর পড়াশুনো নিজের থেকে করে, খুব একটা বলতে চলতে হয় না। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। आप सभी को बता दें यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा केक कटिंग तो खैर किया ही जा रहा है, लेकिन हम ज़रूर से बात करना चाहेंगे यहाँ पे सेंटर हेड से, और तमाम तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वक्त एलन के सेंटर हेड हमारे साथ में जुड़े हैं, कुलदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर स्टूडेंट्स सर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मैम। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक रिजल्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों ने दिया है, और ये जस्ट एक इनिशिएशन है, शुरुआत है। अभी तो हमें नेशनल लेवल पे इसी तरीके के ज़बरदस्त रिजल्ट्स आगे आने वाले समय में भी देने हैं। डेफिनेटली सर। एंड क्या आपने सोचा था कि वेस्ट बंगाल का टॉपर भी एलन के इस सेंटर से निकलकर उभर कर सामने आएगा? मैम, हमारा प्रयास इसी तरीके से था कि हमें नॉट ओनली वेस्ट बंगाल लेवल, हमें इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना है, और आने वाले समय में जो भी हमारे प्रयास रहेंगे यहाँ के बच्चों को लेके, तो नॉट ओनली हमारा टारगेट सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल से भी बाहर निकलना है और नेशनल लेवल पे हमें जाना है। डेफिनेटली सर, अगर हम रिजल्ट की ओवरऑल बात करें तो क्या ओवरऑल एलन इस सेंटर सिलीगुड़ी सेंटर का रिजल्ट रहा है? मैम, ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो हमारे 200 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट अपीयर हुए, उसमें से हमारे मोर देन 54 स्टूडेंट्स ने जो है 90+ परसेंटाइल अचीव किया है, और जो क्वालिफाइंग जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है वो एग्जैक्ट कट ऑफ निकलने के बाद पता चलता है, बट वी आर श्योर कि मोर देन 100 स्टूडेंट्स विल क्वालिफाई दिस एग्जाम फॉर JEE एडवांस। डेफिनेटली सर, रिजल्ट काफ़ी रात को डिक्लेयर हुआ था, एंड इतनी सुबह प्रिपरेशन करना, बच्चों को पेरेंट्स को बुलाना, खैर एक्साइटमेंट तो आप में भी हुई होगी बिकॉज सबसे पहले रिजल्ट आपको पता चला होगा। जी मैम, एक्चुअली हमारे टीम मेंबर्स ने रात को, मैंने देखा कि 3 बजे से उठ के, मैंने भी अपना मोबाइल पूरा ऑन रखा हुआ था, तो हमारे टीम मेंबर्स देखा रात को 2 बजे 3 बजे से रिजल्ट कंपाइलेशन में लगे हुए थे, तो मॉर्निंग में 6-7 बजे तक उन्होंने रिजल्ट कंपाइल किया, और बहुत से लोगों को हमने देखा कि मॉर्निंग में पता चला रिजल्ट आया है, और 8 बजे जब उन्होंने वेबसाइट को खोला तो उस समय वेबसाइट हैंग कर रहा था, इस तरीके के इश्यूज थे, बट हम लोग वो सारी प्रिपरेशन रात में ही कर चुके थे। okay. जी सर, अगर किसी को यहाँ पे एलन से कॉन्टैक्ट करना हो, या कोई ये सोच रहे हैं कि अगर एलन इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर भेजना हो, तो किस तरीके से वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड एक बार एड्रेस भी बता दीजिए इस सेंटर का? ट्रेडियम कॉम्प्लेक्स चेक पोस्ट पर हमारा एलन इंस्टीट्यूट है, और पूरी सिटी में हमने वैसे जगह जगह होर्डिंग्स भी लगाए हुए हैं, और साथ में ही प्रॉपर वेबसाइट पे भी पूरा डिटेल्स अवेलेबल है, तो जिनको भी एलन सिलीगुड़ी में विजिट करना होगा वो वेबसाइट पे जाके यहाँ का एड्रेस ट्रेडियम चेक पोस्ट पे आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली वो अवेलेबल रहेगा, और मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेडियम से ज़्यादा लोग इस एरिया को भी एलन से जानने लग गए, तो अगर आप एलन भी सर्च करेंगे तो ईजिली आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी वहाँ पर दिए हुए हैं, तो ईजिली Anyone can reach the institute. Thank you so much, sir, for being there with Thank us. आप सभी को बता दें अगर आपको एलन के कोई भी डिटेल्स चाहिए तो ऊपर कैप्शन में एलन का डिटेल दिया गया है, चाहे हम कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें या चाहे हम एड्रेस की ही बात क्यों ना करें, हमने आप सभी को बताया है। यहाँ पे बच्चों से हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है। खैर, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे इरादरी से ही, तो सबसे
पहले तो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू इराजी. थैंक यू मैम. ओके, अगर हम बात करें, आपने क्या सोचा था कि नॉट जस्ट इन सिलीगुड़ी बट ऑल्सो वेस्ट बंगाल लेवल पे आप स्कोर कर पाओगे, लाइक फर्स्ट टॉपर आप बने हो? इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैंने मतलब यहाँ पे एलन कटेस में मेरा बाकी उससे ज़्यादा आता था, लेकिन मैं सोच मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि बीच में गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था उस कम्पेयर में. अगर हम आपके शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कैसा रहा आपका, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो दिन रात आपको एक कर देना पड़ता है, ऑन टॉप ऑफ दैट 12th के बोर्ड्स भी थे आपके, सो हाउ डिड यू मैनेज बोथ ऑफ इट? मतलब एलएन में तो हाँ स्ट्रेटजी तो ऐसा ही था कि पहला दो साल में, पहला साल मतलब पूरा जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन में था, और आपका वो अभी जो यहाँ नवंबर का मंथ से अभी थोड़ा बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो उस हिसाब से. ओके, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तब कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम आपको इजी लगने लगता है. ओके, बोर्ड क्या लेके पढ़ा आपने? आगे की अगर हम प्लान्स की बात करें तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान है मेरा कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, इंजीनियरिंग में या आईआईटी में. सिलीगुड़ी में ही या फिर कहीं और बाहर जाओगे आप? आईआईटी में कोई भी. ओके, तो अगर आपको प्लेसमेंट मिलता है आप जरूर वहाँ पे जाके पढ़ने की कोशिश करोगे. ओके, और जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं जो आगे आने वाले जेई एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसी पॉइंट बताना चाहोगे दैट हेल्प यू अलॉट? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो टीचर है उनका जो इंस्ट्रक्शन है और एडवाइस है वो हमेशा मतलब फॉलो करना चाहिए, और अपना उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स डिस्ट्रैक्शन उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए. थैंक यू सो मच इरादरी, आपसे भी ज़रूर बात करना चाहेंगे बिकॉज यू आर नो लेस. काफ़ी अच्छा स्कोर आपका भी रहा है, एक बार अपना परसेंटाइल और अपना नाम बता दीजिए. मेरा नाम कार्तिक वर्मा और परसेंटाइल 99.54. ओके, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन नंबर आपने स्कोर किया है, काफ़ी अच्छा स्कोर आपने स्कोर किया है. अगर हम बात करें किस तरीके से आपका डेली रूटीन रहा या कैसे आपने ये स्कोर अचीव कर पाए? डेली रूटीन तो कंटिन्यू मेहनत का वजह से है, क्योंकि सुबह से रात तक अपना शेड्यूल रहता था वो फॉलो किया तो हो गया. ओके, जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहोगे कि किस तरीके से आपने किया? क्या आप खेलने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर खेलते भी थे, पढ़ते भी थे? हाउ वाज योर रूटीन? जैसे कि अगर पूरा दिन पढ़े हैं तो दिन का स्ट्रेस तो कम करने के लिए खेलना पड़ता है, अगर कंटिन्यू पढ़ने से फिर वो इफेक्टिव नहीं रहता पढ़ाई. डेफिनेटली, तो इसलिए थोड़ा बहुत खेलते हुए पढ़ता था तो अच्छा ही गया. अच्छा, अगर हम बात करें ओवरऑल जेई कोर्स की, सो हाउ डू यू फील कि क्या ये इजी है या फिर मेहनत की ज़रूरत है? ऑब्वियसली मेहनत की तो काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन व्हाट डू यू सी? मेहनत तो कंटिन्यू करना पड़ता है, लास्ट में आके लगता है सिलेबस छोटा सा ही है, ज़्यादा है नहीं अगर मेहनत किया तो पूरे साल. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू. हमारे साथ और भी कई सारे बच्चे हैं, हम ज़रूर बात करना चाहेंगे. सबसे पहले आपका नाम बताएं एंड अपना परसेंटाइल आप बता दें. साहित्य और मेरा परसेंटाइल 99.45, याद नहीं है. थैंक यू सो मच एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. मतलब जेईई पास करना लोगों बहुत बड़ी बात समझते हैं, लेकिन जब आपका स्कोर कुछ इस टाइप का आ जाता है, 99.99% तक का अगर आपका स्कोर रहता है तब भी पॉइंट से आप चूक जाते हो, कुछ इस तरीके का जेईई एग्जाम होता है. आप अपना नाम और अपना परसेंटाइल बताएं. जी, मेरा नाम ऋषिकेश गिरी है और मेरा 99.20 परसेंटाइल आया है. कॉन्ग्रेचुलेशन आपका. मैं हर्षिल श्रीवास्तव हूँ, मेरा 99.16 परसेंटाइल आया है. सो ऑल द 99 बैच यहाँ पे खड़े हुए हैं. हमने ज़रूर से यहाँ पर एलन के स्टूडेंट से बात की, काफ़ी अच्छा स्कोर इस बार एलन का रहा है जेईई एग्ज़ाम, जहाँ पे इतनी ज़्यादा टफ़ मानी जाती है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर यहाँ पर बच्चों का रहा है. आप सभी को बता दें पेरेंट्स काफ़ी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और खैर हो भी क्यों ना, बिकॉज जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है, टीचर का काफ़ी अच्छा गाइडेंस यहाँ पर बच्चों के लिए रहा है. फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहे